वेलकम टू न्यूट्रीकुकिंग। मैं हूं शालिनी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे मेरे कोविड पॉजिटिव होने के बाद की जर्नी शेयर कर रही हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि कोविड से जीतना इतना भी मुश्किल नहीं है जैसा टीवी और न्यूज चैनल में दिखाया जाता है। कोविड से जीतने के लिए आपको दो बातों को मानना पड़ेगा। पहला, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और भगवान पर भरोसा रखें कि आप कोविड से जीत जाएंगे। No disease can kill a positive person and no medicine can cure a negative person. आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार ना मान लें। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें और हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, If you eat right, you will be always bright. ऐसे ही एक दिन मुझे बहुत सरदर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी। टेस्ट करवाने पर पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। क्योंकि मैं डायबिटिक भी हूँ तो मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता था अगर मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी ईटिंग फॉलो ना की होती और अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल ना रखा होता। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब कोरोना पॉजिटिव हुई तो मैंने क्या खाया, क्या पिया और क्या किया। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे पहले दिन की जर्नी। नॉर्मली मैं 5:30 उठ जाती हूँ, पर उस दिन मैं 9:30 उठी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उठते ही सबसे पहले मैंने गुनगुने पानी में बीटाडिन सॉल्यूशन मिक्स किया और उससे गरारे किए। गरारे करने के बाद मैंने ग्रीन टी पी। अगर आपको लूज मोशन हो तो आप ग्रीन टी ना पिएं, आप गुनगुना पानी पिएं। इससे आपके गले को बहुत आराम मिलेगा और कफ भी जमा नहीं होंगे। फिर मैंने अपने कमरे की खिड़की खोलकर 10 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ताकि कमरे में फ्रेश एयर आ सके। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मैंने अलोम विलोम, प्राणायाम और मेडिटेशन किया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के आधे घंटे बाद मैंने ब्रेकफास्ट में होममेड मसाला ओट्स खाए। मसाला ओट्स की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इसे जरूर ट्राई करें। ओट्स प्रोटीन रिच होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। और मजे की बात तो ये है कि ये ग्लूटेन फ्री है। ये नाश्ता घर पर आपको सिर्फ 10 रुपए में पड़ता है। मैं नाश्ते की कीमत आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत लोगों की नौकरी चली गई है और कई लोगों का बिजनेस भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है। तो ऐसे हालातों में हमारा पैसे बचाना बहुत जरूरी हो गया है। कम पैसों में हेल्दी खाना कैसे खाया जाए, यही न्यूट्री कुकिंग की कोशिश रहती है। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद मैंने 1 बॉल पपाया खाया। अगर आपको लूज मोशन हो तो आप पपाया ना खाएं, आप चाहें तो 1 एप्पल या 1 ऑरेंज भी खा सकते हैं। पपाया खाने के 1 घंटे बाद मैंने स्टीमिंग ली और उससे मुझे बहुत आराम मिला। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप भगोली में गर्म पानी करके तौलिए से ढक कर भी स्टीम ले सकते हैं। पर स्टीमिंग लेने में आलस ना करें क्योंकि अगर एक बार छाती में कफ जम गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। मैंने ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया और थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर चेक किया और डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि सब कुछ नॉर्मल है। आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपना ऑक्सीजन लेवल और बॉडी टेम्परेचर चेक करें और डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। लंच में मैंने मूंग दाल खिचड़ी खाई। इसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये खिचड़ी घर में 20 रुपए प्लेट पड़ती है। मूंग दाल खिचड़ी प्रोटीन रिच और ग्लूटेन फ्री है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत हेल्दी और जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। लंच के 15 मिनट बाद मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने के बाद मैंने अपने फेवरेट एक्टर अल्लू अर्जुन की मूवी देखी। मूवी देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मैंने 1 घंटा रेस्ट किया। यहाँ मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप वही सब कुछ करें जो आपको अच्छा लगता हो क्योंकि आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। पूरे दिन में मैंने 7 से 8 ग्लास गुनगुना पानी पिया और दिन में 2 बार नींबू पानी पिया। डिनर में मैंने वेजिटेबल सूप और 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड की खाई। डिनर के 2 घंटे बाद मैंने काढ़ा पिया। ये काढ़ा कोई भी पी सकता है क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। काढ़ा बनाने के लिए 1 कप पानी लें, उसमें 1 काली मिर्ची और 1 लौंग कूट कर डालें। फिर
उसमें 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/4 टीस्पून ग्रेटेड अदरक डालें और इसको तब तक उबालें जब तक ये आधा ना हो जाए। फिर इसे छान लें। आप चाहें तो इसमें हनी या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। ये काढ़ा पीने के बाद मैंने भगवान को धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। काढ़ा पीने के बाद मैं सो गई। अंत में मैं आप सब से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप गलती से भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएं तो घबराएं नहीं। मेरे डूज एंड डोंट्स ऑफ बीइंग कोरोना पॉजिटिव का वीडियो फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हेल्दी खाएं और रिकवर होने के लिए भरपूर रेस्ट करें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ईट राइट, स्टे ब्राइट, सेव मनी, स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।